अच्छा जी, हम लोग बैंकिंग कंपनीज के वाले से पढ़ रहे थे और हमने यहाँ से हमने छोड़ा था, यहाँ से येलो नहीं, अब हम यहीं से ही दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का तकरीबन सबके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या? ये तो हम पहले भी हमने इसमें यहाँ पर भी पढ़ा था। और आपके पास बैलेंस शीट्स हैं, आपके इनकम स्टेटमेंट्स हैं, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट है, आपके चेंज इन ओनर इक्विटी है, रिटेन अर्निंग चेंज है, ये सारे आपके क्या है, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बैंक्स ने भी इन सबको इसी हिसाब से ही प्रिपेयर करना होता है। बैलेंस शीट में वो अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में डिस्कशन करेगा, इनकम स्टेटमेंट में अपनी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बताएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसके बारे में बताएगा। तो ये सारा कुछ बैलेंस जो फाइनेंशियल्स हैं ये वो भी वैसे ही बनाते हैं जैसे कि नॉर्मली तौर पर दूसरी फर्म्स बनाती हैं। अच्छा, इनका मकसद क्या होता है, पॉलिसीज क्या होती हैं? ये भी पॉलिसी का हिस्सा है कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है आप उसको वैल्यूड करवाते रहे। मिसाल के तौर पर आपने शेयर्स परचेज किए हुए हैं, पहले आपने शेयर परचेज किया था 10 रुपए का और विद द पैसेज ऑफ टाइम उस कंपनी की वर्थ बढ़ती गई और अब उसके जो शेयर है उसकी वैल्यू है 100 रुपया, तो मतलब क्या है कि उसका 90 रुपया बढ़ गया। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी, डिविडेंड जो आपको मिलता गया वो तो आप उसको रेगुलरली शो करते गए कि हमें इस साल में इतना डिविडेंड मिले एज ए प्रॉफिट के तौर पर, और फिर उसके बाद आप उसको जो भी आपने उसका करना था, खर्चा वगैरह करना था या वट एवर आपने उसको मजीद इन्वेस्ट करना था वो आप करते रहे। लेकिन जो आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की हुई थी आपकी वो वैल्यू भी बढ़ गई। मिसाल के तौर पर बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स पास एक्स्ट्रा पैसा था और उन्होंने कोई कमर्शियल प्लॉट परचेज कर लिया या इवन रेजिडेंशियल प्लॉट भी परचेज कर लिया। अब उस पर क्या है कि उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो मैंने एग्जांपल के लिए दिया, नॉर्मली तौर पर बैंक इस तरीके की फिक्स इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं। बैंक ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वहां पर करते हैं जहां पर आपको मंथली बेसिस पर, एनुअली बेसिस पर, डेली बेसिस पर आपको उसका रिटर्न मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे भी वो उसका रिटर्न वापस भी करना होता है। तो नॉर्मली तौर पर वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जहां पर उनको डेली बेसिस पर उनका रिटर्न मिलता रहे, प्रॉफिट वगैरह मिलता रहे। जारी बात है, फिर अदर जो चीजें हैं, जो आपके लॉसेस वगैरह हैं, लोन्स हैं, ठीक है, उनको राइट ऑफ करना किस तरीके से है, एडवांसेस वगैरह, वो भी उनकी बेस बनती है। अच्छा, जारी बात है, हमने ऊपर भी इसके बारे में पढ़ा था बैंकिंग रिस्क के बारे में कि जब भी जो बैंक्स होते हैं उनको ऑफकोर्स बहुत सारे रिस्क हमने पढ़े थे, लेकिन जो मेजर रिस्क क्या था कि जारी बात जब आप किसी को पैसा दे देते हैं तो वो एज इट खुद बहुत बड़ा रिस्क है। तो उस रिस्क को भी बेस बनाना है और उसकी बेस पर जो आपके साथ बैंक के साथ हो रही होती है मामला उसको भी हमने डिस्कस कर। अब यहाँ ब्रो बता रहे हैं इनकम कौन कौन सी होती है बैंक्स की। ये नॉर्मली हमने उस दिन मैंने आप लोगों से पूछा भी था और आप लोगों ने बताया भी था, मैंने भी बताया था, सबसे पहले क्या थे, इंटरेस्ट। देखिए सबसे पहली ही जो इनकम है उसकी वो इंटरेस्ट है, सूद है, ठीक है। कमर्शियल बैंकों के पास जो मेजर जो पार्ट होता है इनकम का वो इंटरेस्ट का ही हो, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक जगह से पैसे लेते हैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जहां से वो लेते हैं उनको वो फर्ज अगर वो 5% पे बैक कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं 5% के हिसाब से, तो वो आगे जिनको पैसे लोन सूरत में देते हैं वहां से वो 9% ले रहे होते हैं। तो जो 4% वो दरमियान में एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो क्या है, वो उनकी अपनी इनकम। इसमें फिर बहुत सारी और बातें आ जाती हैं कि शॉर्ट पीरियड्स के भी ले सकते हैं, और नॉर्मली तो जो बैंक्स हैं वो मैंने आपको बताया कि वो इतनी बड़ी और इस हद तक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते। ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि अगर हमने प्लॉट लेंगे और प्लॉट की वैल्यू विद इन 4 ईयर 5 ईयर उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जानी है, लेकिन वो 5 साल तक इतने पैसों को ब्लॉक भी नहीं कर सकते। तो नॉर्मली तो पर क्या होता है कि वो शॉर्ट पीरियड्स के लिए सारे मामला कर रहे हो, ठीक है। हमारे भी यही बात लिखी हुई है कि नॉर्मली तो पर क्या होता है, दीज एसेट्स आर हाईली लिक्विड बिकॉज दीज कैन बी कॉल्ड एट एनी टाइम। अब जारी बात है बैंक्स के पास अपना तो पैसा इतना नहीं होता, लोगों का ही पैसा। अब लोग इनका पैसा है वो उसको किसी भी वक्त विड्रॉ करवा सकते। अब अगर आपने बैंक के अंदर 1 करोड़ की अमाउंट रखवाई हुई है तो आप क्या करेंगे, आपने बैंक को कहना है कि मैं आ रहा हूँ पैसे लेने के लिए, आप अरेंजमेंट करके रखें, तो वो बैंक आपको उसी वक्त पैसे देने का बंद होगा। बैंक ये नहीं कहेगा नहीं जी आपने जो 1 करोड़ दिया था या 10 मिलियन आपने हमें दिया था वो हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, उसका हमने प्लॉट लिया हुआ है, अब वो प्लॉट बिकेगा तो हम आपको पैसे वापस करेंगे।
ऐसा नहीं हो। आपने भले 10 मिलियन रखा है, भले 100, भले 1000 मिलियन पे रखा हुआ है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप फौरी तौर पर उनसे वापिस ले सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हाईली लिक्विड होता है, फौरी तौर पर उनकी डिमांड आ सकती है। अच्छा, फिर और मैंने आपको बताया थे कि इनकम के और क्या सोर्सेज हैं, फीसिस हैं जो मुख्तलिफ सूरतों में वो चार्ज कर रहे होते हैं। कलेक्शन ऑफ चेक्स है, क्लियरिंग के हवाले से वो क्या कर रहे होते हैं, क्लियरिंग चार्जेस के नाम पर आपसे चार्जेस काट रहे होते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस होते हैं। पीरियोडिक पेमेंट्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक पेमेंट्स भी कर रहे होते हैं। बिल्स की पेमेंट है, वहां से पैसे आ रहा होता है। रेंट्स की पेमेंट है, अब देखें इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल है, बिल फर्ज अगर उसकी डेट 8 है लास्ट, ठीक है, और किसी कस्टमर ने उसको यकम को ही पे कर दिया है, तो 7 दिन का उनके पास एक मार्जिन आ जाता है कि यार ठीक है जी ये हमारे। और इसके अलावा फिर क्या होता है कि वहां से भी एक पोर्शन की सूरत में 2% या 1% की सूरत में वो भी बैंक को मिल रहा होता है। जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे हम लोग किसी पेट्रोल पंप पे जाते थे पहले, आज से तकरीबन महीना पहले, तो क्या होता था कि हम लोग अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड जो आपका एटीएम कार्ड नॉर्मल तौर पर कंसीडर किया जाता है, उसके थ्रू हम पेमेंट कर देते थे कि कैश नहीं है बस इसी के थ्रू पेमेंट आप ले लें, तो वो भी आपसे कार्ड के थ्रू आपसे पेमेंट ले लेते थे। लेकिन अब आपने देखा होगा कि कोई भी जो आपका पेट्रोल पंप है वो आपसे कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं ले रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि बैंक्स ने उस पर तकरीबन 4% की कटौती करना शुरू कर दी। ठीक है जी, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बदले में जो भी ट्रांजैक्शन आपकी होगी इस कार्ड के थ्रू, इसका 4% हमारे चार्जेस के तौर पर हम काटेंगे। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, आपने 1000 रुपए का पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, उसका 4% यानी कि 40 रुपए बैंक ने अपने पास रख लिया। आपने 1000 का पेट्रोल डलवाया और डेबिट कार्ड के या एटीएम कार्ड के थ्रू आपने उसको पेमेंट की, तो क्या हुआ, बैंक ने उस 1000 रुपए में से 40 रुपए अपने पास रखा और 960 रुपया पेट्रोल पंप वाले को दिया। अब पेट्रोल पंप वाले ने कहा नहीं जी यार ये तो हमें 40 रुपए बचता ही नहीं है, हम इसको किस तरीके से करेंगे। जस्ट लाइक जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि कार्ड अगर आपने यूज करना है तो कम से कम जो शॉपिंग है वो आप 2000 की या 2500 की या 3000 की, हर किसी अपने लिमिट्स लिखी होती है, कम से कम इतनी कि आप शॉपिंग करें तो फिर उसके बाद आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करें। तो ये क्या होता है, ये उनके चार्जेस है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से अपने वहां से भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये है कि बैंक एज ए थर्ड पार्टी वर्क कर रहा होता है, काम कर, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक्स वगैरह के हवाले से, शेयर के हवाले से, करेंसीज के हवाले से भी, ठीक है। आप कहते हैं जी पानी देना जरा, अच्छा बैंक क्या कह रहे थे, बैंक आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक को कहते हैं हमें एक्सपेक्टेड है कि डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, अब अगर बिलफर 200 रुपए है तो इसके चांसेस है कि 220 तक चला जाएगा, देखिए 20 रुपए का मार्जिन इसमें हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे बैंक के थ्रू कि आप इस तरह करो कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट जो आपके पास मौजूद है आप इसको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट कर ले, डॉलर्स आप इस अमाउंट के परचेज। तो क्या होगा कि बैंक्स आपकी ही इन्वेस्टमेंट से शेयर्स वगैरह या डिबेंचर्स या डॉलर्स क्या करेगा, वो परचेज कर ले, वो क्या करेगा, वो सारे जो चीजें हैं उसको मैनेज करेगा। तो फिर उस सेंस में भी वो क्या करते हैं, पैसों की कटौती करते हैं। पीरियोडिक कलेक्शंस हैं, अब बैंक मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ पीरियोडिक पीरियड्स की क्या कर रहे होते हैं, कलेक्शंस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लाइज की, जितनी भी सैलरी है वो क्या हो रही है, वो बैंक के थ्रू आ रही है। अब जिस भी बैंक के थ्रू आ रही है, मिसाल HPL के अंदर किसी भी एक ऑफिस के मुलाजमीन की सैलरी आ रही है, तो क्या करेंगे, तो जितनी भी वो सैलरी आएगी वो उसी बैंक में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जो हमारे फौजी हजरात हैं क्या कहते हैं, उनकी जितनी भी पेंशन वगैरह आ रही है, जो भी मामलात हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अस्करी बैंक के थ्रू सारा कुछ कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि लोगों की जितनी भी पेंशन है या सैलरीज है वो अस्करी बैंक के अंदर आ रही। अब हर महीने लमसम मिलियंस ऑफ अमाउंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कितने मिलियंस के हिसाब से, ट्रिलियंस के हिसाब से एक बैंक के अंदर पेमेंट, तो ये भी जारी बात है, वो फिर उस पेमेंट को भी वो यूटिलाइज कर दे, क्योंकि हर बंदा फौरी तौर पर पैसा नहीं निकलवा, कुछ लोग उसी ही अकाउंट को सेविंग के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। वो क्या होता है कि वो एक सर्कुलेशन बैंक की
چل رہی ہوتی ہے. اچھا اور اس کا انکم اور سورس کیا ہے کہ ادر ایجنسیز کے فنکشن وہ کر رہا ہوتا ہے, کسی کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کر رہا ہوتا ہے, کوئی اپنا ریپ وہاں پر انسٹیٹیوٹ کے اندر اپنا ریپ وہ بھیج دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہمارا کام یہاں پر یہ کرے. مثال یونیورسٹیز کے اندر کورس الگ سے برانچز تو نہیں بنی ہوئی تھی, تو آفس کے اندر ہی وہ ایک الگ سے ایک ٹیبل اور چیئر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بینکنگ کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کا دوسری اگر آپ ایگزامپل لیں تو اس کو میں دوسرے سینس میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح ایف بی آر کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ بینکس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا اپنا آفس تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے آفس کے بہاف پر ایک کنسلٹنسی یا ایک سہولت کے طور پر لوگوں کی سہولت کے لیے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. جسٹ لائک انشورنس کمپنیز والے, وہ تقریباً سبھی بینک کے اندر انہوں نے مختلف انشورنس کمپنیز والے بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں پر آپ کے پاس جوبلی والے بیٹھا ہوتا ہے, کہیں پر ای ایف یو والے بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے تھے جتنے بھی ان کے پاس کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ سب کو پھر اپنے اپنی انشورنس کے بارے میں بتا. ہاں جی, جنرل فیسلٹیز کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں, جنرل یوٹیلٹیز کے اندر دیکھیں اس پہ بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی. جنرل یوٹیلٹیز میں جنرلی وہ بہت سارے فنکشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور اس فنکشنز کے بہاف پر اچھے خاصے پیسے ارن کر رہا ہوتا ہے. جسٹ لائک یہ میں آپ کو ایک مثال دوں لیٹر آف کریڈٹ کی, ایل سی کی, کوئی بھی آپ کا امپورٹ ہے ایکسپورٹ ہے وہ ایل سی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ لیٹر آف کریڈٹ کس کے بہاف پر ہوتے ہیں کہ بینک ہی یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے امپورٹر کی طرف سے ہے چاہے ایکسپورٹر کی طرف سے ہے, تو اس کی مد میں بھی اچھا خاصا ایک اماؤنٹ وہ ارن کر لے. اب ظاہری بات ہے جو بھی امپورٹ کر رہا ہے یا ایکسپورٹ کروا رہا ہے تو وہ ہزاروں لاکھوں میں بات نہیں ہوتی, وہ ملینز کے اندر اور ٹریلینز کے اندر ہی بات ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک سیڈ لیں سویا بین کا یا سورج مکھی کا سیڈ لیں تو وہاں پر ایک جہاز کے اندر بھی تقریباً 65,000 ٹن تقریباً مال آ جاتا ہے, سیڈ آ جاتا ہے 65,000 ٹن, اور 1,000 ٹن بھی تقریباً کی جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ کروڑوں میں بنتی, وہ کروڑوں میں اس کی اماؤنٹ بنتی ہے, ایک آدھ کروڑ بھی نہیں, کروڑوں میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک آئیڈیا لگا لیں کہ ایک شپ کی جس پہ 65,000 ٹن یا 60,000 ٹن یا 70,000 ٹن کم و بیش اتنا آ جاتا ہے, اس پورے شپ کی ورتھ کتنی بن جائے, اربوں میں پہنچ جاتی ہے اس کی ورتھ. تو وہ جو بینک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہاں سے اچھا خاصا ان کو پیسہ مل جاتا. اب اس کے بعد ہے لاکر فیسلٹی, ہے تو سب کو پتہ ہی ہے کہ بینکس لاکرز پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ہے فورن ریزرو, فورن ایکسچینج ہے. اب دیکھیں بینک کے پاس پیسہ ہوتا ہے, بینک کو خود پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ڈالر کی کیا پوزیشن ہے, اس وقت یورو کی کیا پوزیشن ہے, اس وقت پاؤنڈ کس پوزیشن میں جا رہا ہے, یہ ان کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. اگر بڑھ رہی ہے تو بینک کیا کرتا ہے کہ یہ جو ادر کرنسی وہ پرچیز کرے گا, مثال ڈالر بھی پرچیز کرے گا, تو وہ فوری طور پر اس کو کنورٹ کروایا جا. تو اب اگر اس کو امید ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ بڑھ جائے گی تو وہ اس پر فوراً انویسٹمنٹ کر لے گا تاکہ ایک دو دنوں کے اندر ہی اس پہ سے پروفٹ بھی حاصل کر. اچھا پروجیکٹ رپورٹس ہیں, سوشل ویلفیئر پروگرامس ہیں, مختلف قسم کے وہ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے اور فنکشن ہیں جہاں سے وہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. ٹرانسفر آف فنڈس ایک برانچ سے دوسرے برانچ میں, دوسرے برانچ سے ایک بینک سے دوسرے بینک میں بھی فنڈس کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد میں بھی اچھا خاصا پیسہ جنریٹ کیا جا رہا. انویسٹمنٹ پر کورس جتنی بھی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, مثال کے طور پر وہ بینک دیکھ رہے ہیں کہ یار یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے سے ہمیں زیادہ ریٹرن حاصل ہو سکتا ہے تو وہاں پر وہ انویسٹ کر لیں. مثال کے طور پر اس کے میں آپ کو سمپل مثال دوں کہ بینک ہیں اور وہ جو ہمارا نیشنل سیونگ ہے, اگر بینک 6% پہ دے رہا ہے اور نیشنل سیونگ آپ کو انہی بینکس کو ہی وہ 9-10% پر بھی وہ پے کر رہا ہے, تو کیا کریں گے بینک والے, سمپل نیشنل سیونگ میں بھی انویسٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے جی ہمیں منتھلی بیسس پر یہاں سے اتنا زیادہ پیسہ واپس. اسی طرح اور مختلف سیکٹرز ہیں, انڈسٹریز کے اندر بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر یہ گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی. ہاں جی, کمیشن اور بروکریج کے طور پر بھی بہت سارے فنکشنز وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. جسٹ لائک تھرڈ پارٹی کے طور پر دو پارٹیوں کے درمیان اگر کوئی نیگوسیشن کروانی ہے, بل آف ایکسچینج کروانا ہے, تو اس سینس میں بھی وہ کمیشن اپنا کھڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ تو ہمیں دونا, ٹھیک ہے. اور رینٹ ٹیکسز وغیرہ کے حوالے سے بھی وہاں سے بھی وہ پیسے جنریٹ کر رہے ہو. ہاں جی, جب بل آف ڈسکاؤنٹس وغیرہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے, بل آف ایکسچینج وغیرہ کے حوالے سے, تو کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس ایکسچینج کو فوری طور پر ڈسکاؤنٹ کروا کے یعنی کہ وہاں سے ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر لیں. لیکن مثال کے طور پر اگر اے پارٹی نے بی پارٹی کو پیسے دینے تھے اور درمیان میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی
बैंक जोन से हैं वो हमारी गारंटी देंगे। जिस तरह यहाँ पर इन्होंने मिसाल दी है, 1000 रुपए का बिल है और अगर आप अभी पेमेंट कर देते तो 975 रुपए है, हम आपसे लेंगे 25 रुपए, क्या होगा आपको डिस्काउंट होगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा ठीक है जी ये 975 आप लो, 1000 हम वहां से एडजस्टमेंट काट लेंगे। तो इस सेंस में भी वो बैंक एक्टिविटीज करता रहे। तो मैंने आपको बताया था कि बैंक के इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत सारे इनकम को जनरेट कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट मेजर पार्ट है, इस पे कोई वो बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो और ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि उनको अच्छी खासी आसानी हो जाती है। अब देखें, इंटरेस्ट इनकम है और एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, वो है तो दोनों सिमिलर। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बैंक में इन्वेस्टमेंट की है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर बैंक ने खुद इन्वेस्टमेंट की है तो उसको इंटरेस्ट वहां से मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बेस कर रहा होता है आपका स्टेट बैंक के ऊपर। ठीक है, अब उनकी जो डीलिंग है वो आपके पास क्या होगा, इंटरेस्ट के अमाउंट आपके पास एक्सपेंस के तौर पर भी आ रही होगी और इंटरेस्ट के अमाउंट आपके पास इनकम के तौर पर भी आ रही होगी। वो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों सूरतों में यूज हो सकते हैं। इसके लाजमन आगे एग्जाम्पल भी होगी, वो भी जब हम करेंगे शायद आपको समझ आ जाएगी, लेकिन सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो आप कर रहे होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, स्टेट बैंक ही इन तमाम चीजों को रेगुलेट कर रहा होता है और इसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी है इंटरेस्ट के वाले से, इंटरेस्ट रेट के वाले से, वो स्टेट बैंक की है। और वो ही जो है वो अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी जब वो अनाउंस करते हैं तो उसी के थ्रू ही वो बता रहे होते हैं कि इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपने फंक्शंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, और हर क्वार्टर की आ रही होती है, जिस यहाँ पर भी लिखा होता है, लिखा हुआ है कि शूट एवरी क्वार्टर। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, आपको भी पता है कि आप हर 3 महीने बाद आप सुन रहे होते हैं कि आज स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा कर दिया है और इतने परसेंट इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया है या कम हो। अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपसे पूछा था कि काइबर का क्या मतलब है, बैंकर्स जितने भी हैं वो क्या करते हैं, वो काइबर के थ्रू ही ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, इसमें मतलब कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है, अब आपने अक्सर सुना होगा कि बैंक्स क्या कहते हैं कि ठीक है जी, अगर आप हमसे पैसा ले रहे हैं तो हम आपको काइबर प्लस 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग उसके अमाउंट पर और जो आपकी जो पार्टी है उसकी क्रेडिटेबिलिटी पर वो अपने हिसाब से उसको सेटिंग कर रहे हो। तो काइबर जो है वो तो एक फिक्स रेट होता है जो कि स्टेट बैंक की तरफ से फिक्स हो जाता है, और जो ऊपर एक्स्ट्रा वो लिया जा रहा होता है वो बैंक्स अपनी तरफ से ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक और चीज की बात कर ली है कि 6 मंथ्स काइबर रेट। इसका मतलब ये है कि जो आपने पीरियड को वो डिफाइन एक्चुअली करना चाह रहे हैं, वैसे तो वो 5 साल तक कोई भी पीरियड इंटरेस्ट अमाउंट ली जा सकती है, लेकिन 6 मंथ काइबर के 6 महीने तक का ये काइबर का शेयर है और उसी को ही एक बेंचमार्क के तौर पर लिया जाता है। जस्ट लाइक इसके मिसाल मैं आपको ऐसे लूं, जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज की खबरें सुनते हैं और उसमें वो बता रहे होते हैं न्यूज में कि 100 इंडेक्स। अब 100 इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 100 कंपनियां हैं। ठीक है, वो तो उन्होंने कंपनीज तो बेशुमार है, हजारों कंपनीज हैं जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रांजेक्शन कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी बात हो रही है बोरिंग फ्रॉम जनरल पब्लिक से किससे किससे बोरो कर रहे होते हैं वो। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं तो जब भी आप अकाउंट ना ओपन करवाते हैं तो ऑफकोर्स इसका मतलब क्या है कि आप उसमें कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, अब अगर आपने कोई करंट अकाउंट ओपन करवा लिया तो मतलब क्या है कि आप फौरी तौर पर उसमें से पैसे भी निकलवा लेंगे करंट में। सेविंग अगर आपने ओपन अकाउंट किए हैं बैंक्स के अंदर तो क्या होगा कि वो एक हद तक आप उस पैसे में अपने सेविंग को रख रहे हैं तो बैंक क्या करता है कि उस पैसे को यूटिलाइज भी उस तरीके से कर सकता है, तो वो सेविंग वाला जो अकाउंट है उसको भी वो उस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। यदि ऐसे लॉन्स जो के परफॉर्म नहीं कर रहे तो मतलब के वो डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं। अब ये जो डिफॉल्ट होने के जो चांसेस हैं, आप देखें यहाँ पर ये बात लिखी हुई है और ये सारा कुछ भी है, 90 दिन के अंदर का भी टाइम लिखा हुआ है, सारा मामलात है, कॉन्ट्रैक्ट के मामलात भी है, लेकिन ये सारा कुछ क्या है, ये जो आप हम जैसे लोग हैं जो जनरल पब्लिक है ये उनके लिए होते हैं। यहाँ पर जो अगर आप डिफॉल्ट खुदा ना खासा अगर आपने किसी बैंक में अकाउंट खोला हुआ है और आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं, लेकिन अगर खुदा ना खासा अगर आपको डिफॉल्ट का चांस आ जाता है तो बैंक ने तो कभी भी आपको नहीं छोड़ा, तो वो तो इस तरीके से शिकंजा घेरे हुए होता है बैंक ने, आपके प्रॉपर्टी के कागजात भी उनके पास होते हैं या वट एवर, वो भी बहुत कुछ उनके पास होता है, तो वो तो कतन ही आपको नहीं छोड़ते। ये जो ये सारी मामलात हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो कि अपने लोन्स वगैरह को माफ भी
करवा लें। अच्छा जी, इसमें रूल्स बता रहे हैं, रूल्स फॉर प्रोविजन अगेंस्ट नॉन परफॉर्मिंग रोल्स, उनमें रूल्स कौन कौन से हैं, आप स्टैंडर्ड है उसमें, आपके डिटर्मिनेंट है, ट्रेट ऑफ इनकम है, उस पर प्रोविजन टू बी मेड है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन में कितनी इनकम होगी और उसकी प्रोविजन आपने किस तरीके से करनी है, ठीक है। उस पर क्या सब स्टैंडर्ड है, वेयर मार्कअप इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज ओवर ड्यू 90 डेज और मोर फ्रॉम द ड्यू डेट, ठीक है, इनके 90 दिन से। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी ने दिसंबर में पेमेंट करनी थी और मार्च में उससे क्या हुआ है, 90 दिन ऊपर हो गए, दिसंबर में पेमेंट करनी थी लेकिन मार्च तक उसने पेमेंट नहीं की, तो ये क्या होगा, ये 90 डेज के अंदर 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। तो उसमें आपने क्या करना है, इनकम आपने क्या ट्रीट करना है, अनरियलाइज मार्कअप इंटरेस्ट टू बी कैप्ट इन मेमोरेंडम अकाउंट एंड नॉट टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम अकाउंट एक्सेप्ट वन रिसीव्ड। तो क्या करना है, आपने जो इसका अनरियलाइज मार्कअप है अभी तक आपको रियलाइज नहीं हुआ या जो इंटरेस्ट है आपने उसको इंटरेस्ट इनकम के तौर पर कंसिडर नहीं, ठीक है, जब तक कि आपके पास वो कैश की सूरत में रिसीव ना हो जाए, ठीक है। अब प्रोविजन क्या है, 25% ऑफ द बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट लेस एनी अमाउंट डेट कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी विदाउट केस फ्रॉम द कोर्ट, इट मींस द सिक्योरिटी डेट कैन रियलाइज फ्रीली लाइक शेयर्स बॉन्ड। अच्छा, इस पे ये है कि आपने क्या करना है कि आपने उस अमाउंट को माइनस कर देना है जो कि आपको कोई खर्चा किए बगैर आपको वापस मिल सके, 100 रुपए था उसमें से 25 रुपए आपको मिलने के चांसेस हैं बगैर किसी खर्चे के, ठीक है, मजीद उस पर कोई खर्चा किए तो आपने उसको रियलाइज कर लेना, उसका आपने उसके प्रोविजन बना। अच्छा, उस बात है आपके पास डाउटफुल, अच्छा आप ये केस बन गया कि 90 के बजाय अब वो 180 दिन हो गए, लेकिन दिसंबर में पेमेंट करनी थी और अब जून भी गुजर चुका है, तो आपने उसको क्या 50% ऑफ द आउटस्टैंड, ठीक है, पहले में क्या था 90 दिन वाले में कि आपने उसका 25% बैलेंस लेना था आउटस्टैंड, अब 180 में क्या करना है 50% और उसमें से उस अमाउंट को बैलेंस कर देना है जो कि आपको चांस मिलने के चांसेस, ठीक है। और लॉस की सूरत में क्या है कि अगर आपके पास 1 साल से ऊपर हो जो आपने 2021 में दिसंबर 2021 में अमाउंट रिसीव करनी थी, अब दिसंबर 2022 भी गुजर चुका है, जनवरी फरवरी मार्च 2023 आ चुका है, तो अब आपने क्या करना है, आपने 100% उसका जो बैलेंस है उसमें से जो मिलने के चांसेस हैं जिस पर कि आपको कोई खर्चा ना हो, ठीक है, उसको आपने मैनेज करके आपने उसकी प्रोविजन भी क्रिएट कर ले, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है, उसमें वो क्या कह रहा है, यू आर आ क्रेडिट मैनेजर ऑफ बैंक, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद एजिंग एनालिसिस ऑफ योर बैंक, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने आपको अमाउंट दिया, क्लासिफिकेशन दी है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रुपीज दी है, कि वन ऑन टाइम पेमेंट पोर्टफोलियो, ऑन टाइम पेमेंट पोर्टफोलियो क्या है कि 38 मिलियन का, अच्छा लेट बाय 1 to 30 days, अभी ये क्या है 1 से 30 दिन के वाले से है तो 325, और लेट कितना हो गया 31 से 90 दिन वाले जो कि हमारे पास 25% के हिसाब से है, उसके बाद फिर 91 से 180 और फिर 181 से 365 और फिर उसके बाद 365 डेज अबव हो चुका है, वो कितने अमाउंट है 487,952 और टोटल कितना हो गया आपके पास 39 मिलियन। अब वो कह रहे हैं कि आपने अमाउंट क्रिएट करनी है प्रोविजन की, क्या आप प्रोविजन किस तरीके से कैलकुलेट करो, सिंपल सी बात है, आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, आपने इनको आपने परसेंटेज के अंदर लिख लेना है कि 1 to 30 days कितने हैं, 31 to 90 days कितने हैं, 91 to 180 days, अब 90 से अबव वाले में हमने कितना कहा था 25% और 180 से अबव वाले में कितना कहा था 50 और 365 से अबव वाले में कितना कहा था 100, तो आपने इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेने, बाकी तो वैसे ही 0% है ना, अभी तो उसको प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको। अच्छा चलें जी, अब आगे एग्जांपल वो क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग लोन ऑफ अ बैंक, ओवरड्यू कितना है आपके पास 300 days भी है, 1 year भी है, 2.5 year है और 365 days है, ठीक है, ये क्लाइंट नेम है, ये लोन टाइप है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म और ये भी लॉन्ग टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना आपके पास 20 मिलियन में होगा, 20 मिलियन, 25, 12, 10 मिलियन, इंटरेस्ट जो कितना 2 मिलियन है, 1 मिलियन, 0.5 मिलियन और 0.5 मिलियन, ठीक है, कैलकुलेट द प्रोविजन रिक्वायर्ड टू फॉर द पीरियड, इस पे भी क्या करना है आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है, ये सिंपल है, आपने उसको बिल्कुल वैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से ही आपने इसको देख लेना है कि आपने इसमें तो सारे ही आपके पास 360 यानी कि 1 साल से ऊपर ये सिवाय इसके 300 के,
लेकिन 300 भी क्या है, 180 डेज से अबव ही है, तो ये भी 100% ही इसकी प्रोविजन क्रिएट हो जाएगी। सिंपल बैलेंस शीट का आपको पता है कि बैलेंस शीट क्या है, आपके पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो शो ऑफ है, क्या आप बताते हैं कि कितने हमारे एसेट्स है कितने हमारी लायबिलिटीज, उसे पता चलता है कि इस फर्म की क्रेडिबिलिटी कितनी है, किस हद तक ये आगे लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सकती है। एसेट्स में आपको पता है कैश है, बैंक बैलेंसेस वगैरह है, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स है, अदर बिल्स है, ये सारे क्या है इसके एसेट्स में शामिल है। जहां जहां पर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी उसका एसेट्स ही है। और अगर उन्होंने बैंक्स ने क्या किया हुआ है, लोन्स दिए हुए हैं कस्टमर्स को, इन्वेस्टमेंट कहीं पर की हुई है, वो भी क्या है उसकी एसेट्स ही है। लायबिलिटीज के हैं डिस्पोज फ्रॉम डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर बैंक्स, जो दूसरे बैंक से आपके पास डिपॉजिट्स आए हैं वो आपके क्या है, वो आपके लायबिलिटीज हैं। अदर मनी मार्केट से पैसे कहीं से आपने लिए हुए हैं वो भी आपके लायबिलिटी में ही शुमार होगा, ठीक है। अच्छा, मैच्योरिटीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी दी हुई है कि किस हद तक आप उसको मैच कर सकते हैं, कि जब आपने उसको एक्वायर किया था और उस वक्त की जो पोजीशन थी और आपकी जो पोजीशन है उस हवाले से, क्योंकि उसमें आपके पास अनसर्टेनिटी भी उसमें आ जाती है डिफरेंट टाइप्स की। और इसके अलावा बैंक क्या करेंगे कि वो जो मेच्योरिटी है लायबिलिटीज के एसेट्स के हवाले से भी और लायबिलिटीज के हवाले से भी, कि कब हमें ये एसेट्स हमारे हो जाएंगे और कब हमने लायबिलिटीज को पे करना है। मिसाल के तौर पर अगर 3 महीने के लिए उन्होंने किसी से लोन लिया है और 2 महीने गुजर चुके हैं, तो मतलब 1 महीना उसके मेच्योरिटी को पूरा होने में रह गया, यानी कि मेच्योर होने में कितना रह गया, 1 महीना रह गया है। और अगर उन्होंने किसी ने उनके पास इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उन्होंने उसको पैसे वापस करने हैं, 1 साल के इन्वेस्टमेंट की थी और 11 महीने या 10 महीने हो चुके हैं, तो अब बाकी मेच्योरिटी में कितने पीरियड रह गए, 2 महीने। तो ये क्या करना है, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक ने इस चीज को भी डिस्क्लोज करना है कि कितने पैसे कितने अरसे तक ये एसेट्स और लायबिलिटीज हमारी मैच्योर हो रही है, उनका जो रिमेनिंग पीरियड है वो भी उन्होंने बताना है, ठीक है। बता सकते हैं भाई 1 महीना रह गया है या 3 महीने रह गए हैं या 1 साल है, वट एवर जो भी उनकी मैच्योरिटी का पीरियड है। मिसाल अगर किसी शुरू में भी इन्वेस्टमेंट की है और उसने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है, मतलब कि इस अमाउंट को मैच्योर होने में भी 5 साल बाकी है। अच्छा, बैंक्स ने जितने भी आपके मामलात हैं एसेट्स के हवाले से, अकाउंट के हवाले से और लायबिलिटीज वगैरह के हवाले से, जितनी भी चीजें हैं बैंक ने क्या करनी है, उसको डिस्क्लोज लाजमी करना है। और अपने जो बैलेंस शीट है उसके अंदर उसने अगर उसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगर कुछ तरीके का फिलहाल नहीं आया तो नीचे उसने डिस्क्लोजर लाजमी देना है। और डिस्क्लोजर के अंदर क्या करना है, उसे तमाम इंफॉर्मेशन बतानी है। इसलिए यहाँ पर है कि बैंक शुड डिस्क्लोज, ठीक है। तो क्या करेगा बैंक ने क्या डिस्क्लोज करना है, जो भी उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो भी उनके मामलात हैं, बेसिस ऑन अनकलेक्टेबल लोन्स एडवांसेस रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस एंड देयर राइट ऑफ। बैंक ऐसे भी हैं जिस तरह के हम ऊपर पढ़ रहे थे कि उनको चांसेस हैं कि पैसे उनको नहीं मिलेंगे, पूरा साल ऊपर गुजर चुका है। इस सूरत में बैंक्स ने क्या पॉलिसी बनाई हुई है, अगर कुछ तरह के मामलात हो जाते हैं तो बैंक ने फिर उन मामलात को किस तरीके से डील करना है, ठीक है। और डिटेल बतानी है कि अगर कोई ड्यूरिंग द पीरियड अगर बैंक से कोई लॉस वगैरह हो जाती है, प्रोविजंस हैं लॉस की जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन भी किया है, तो उसको किस तरीके से डील करना है और उसको अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज भी करना है। अब देखिए तमाम मामलात आप क्या कर सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। कुछ ऐसे मामलात भी होते हैं जिसको कि आपने नीचे डिस्क्लोजर के अंदर बताना होता है कि ये मामलात इस तरीके से हमारे साथ हुए हैं। और बैंक क्या करते हैं, बैंक भी इसी तरह का डिस्क्लोजर देता है। और अगर बैलेंस शीट डेट तक अगर कोई अमाउंट कोई कन्फर्म हो चुके तो वो भी उन्होंने लिखनी है। जनरल बैंकिंग रिस्क तो वही है कि आपके जो लेजिस्लेशन वगैरह के हवाले से है। जिसके बाद एक हमारे पास टॉपिक है कि एसेट्स प्लेज एज सिक्योरिटीज। देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूजुअली पाकिस्तान में क्या होता है कि जब भी कोई बैंक से पैसे लेता है तो बैंक कभी भी उसको ऐसे पैसे नहीं दे देते जब तक कि उसके पास किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी ना। पाकिस्तान में नॉर्मली क्या होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो जमीन प्रॉपर्टी बिल्डिंग इस तरह के मामलात को वो अपने पास प्लेज कर ले, ठीक है। दरकार को अगर कोई इस तरह के मामलात हो कि वो बंदा लिक्विडेट हो गया है या उसके बाद पैसे देने के लिए नहीं है, तो वो जो उनके पास सिक्योरिटी रखी हुई है
वहां से वो उसको अपना पैसा वापस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट्स टू द मेंबर, ये उन्होंने अपनी सैंपल रिपोर्ट दे दी है, ये आई डोंट थिंक सो कि वो आपसे पूछे, लेकिन बार ऑडिटर रिपोर्ट यही होती है कि ऑडिटर ने तमाम चीजों को चेक कर लिया है, तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लिया है, उसमें इनकम स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को, इन तमाम चीजों को चेक कर लिया है, इस पीरियड के हवाले से भी वो सारा कुछ बातें है, और तमाम चीजें, या तो वो ये बताएगा कि मुकम्मल तौर पर ठीक है, तो अगर मुकम्मल तौर पर ठीक है तो क्या करेगा, वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे, ठीक है। अब अगर मुकम्मल चीजें मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन हम उसको ठीक कर सकते हैं, मिसाल एक ट्रांजेक्शन ऐसी थी जिसमें के अमाउंट गलत हो गई या चीजें और गलत हो गई, हम यानी कि वो अप्रोच के अंदर है, उसको सही किया जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी फिलहाल गलत बनी हुई है, तो इस सेंस में क्या करता है, वो फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है कि ठीक है जी, ये अभी फिलहाल इसमें ये मसले हैं, लेकिन इन मसलों को हल किया जा सकता है, और ये मामला करने से आपका मसला हल हो सकता है, तो क्या करेगा, वो फिर इस सूरत में क्वालिफाइड रिपोर्ट दे। उसके बाद फिर आता है डिस्क्लेमर के कुछ भी नहीं, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कहा जाता है, फिर डिस्क्लेमर के ऑडिटर को काम ही नहीं करने दिया गया, या फिर क्या हुआ कि जो फ्रेश स्टेटमेंट है इस हद तक एम्बिगुअस है, चीजें इस हद तक धुंधली है कि चीजें बिल्कुल वाजे ही नहीं, और पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर क्या क्या गलतियां हुई, तो ये इस तरह की रिपोर्ट ऑडिटर देता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक सैंपल रिपोर्ट दे दी है, और मैंने आपको बाकी रिपोर्ट्स के बारे में बता दिया कि वो किस तरीके से रिपोर्ट्स वो देता है, ठीक है। सर, यहाँ पर वो कह रहा है कि इन माई ओपिनियन, देखें ये जो इन आवर ओपिनियन है ना, इन आवर ओपिनियन से मुराद ये है कि ये बहुत बड़ा एक सेंस में ऑडिटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा रिस्क होता है ऑडिटर के लिए कि वो अपनी ओपिनियन इस सेंस में वो दे रहा है, पेश कर रहा है, और अगर उसके ओपिनियन के अगेंस्ट कोई चीज निकल आती है तो मतलब कि उसने जो इतना भी काम किया है वो सही नहीं किया। तो इसलिए जब ये रिपोर्ट बनाने लगते हैं तो ऑडिटर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत ज्यादा बर्डन भी, और उस पर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है प्लानिंग्स के हिसाब से कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो आपने पहले डिफाइन करना है कि ठीक है यार, ये बैंकिंग सेक्टर में हम जा रहे हैं, इसके इनकम के जराए कौन से हैं, एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में बैंक किस नेचर के काम कर रहे हैं, उनके ट्रांजेक्शन किस तरीके से होती है, क्या ऑनलाइन जो काम हो रहा है या इनके जो सॉफ्टवेयर है, क्या वो इस हद तक काबिल भरोसा है कि हम उनके ट्रांजेक्शन पर भरोसा कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद फिर वो क्या कर रहा होता है, तमाम अकाउंट्स को चेक करने के बाद फिर मैं वो इस पे फिर फिजिकली भी चेकिंग कर रहा होता है, फिर वोचर्स को भी वॉच आउट कर रहा होता है, ठीक है, फिर उस पर मुख्तलिफ अदर सोर्स से एविडेंस को कलेक्ट कर रहा होता है कि हाँ यार ठीक है, ये भी एविडेंस मेरे पास आ गया, ये भी एविडेंस आ गया। अब ये तमाम चीजें देखने के बाद, तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फिर वो क्या कर रहा होता है, फिर वो ये रिपोर्ट पेश कर रहा होता है, और उसके अंदर फिर ये बताता है कि हाँ जी ठीक है जी, ये जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं have been kept by the bank as required by the company's order 1984, यानी कि जितना भी उन्होंने काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया, ठीक है, और उसमें अंदर ही फिर ये सारा कुछ वो बताता है कि नोट्स भी होने चाहिए, ये सारे मामलात हैं, मुझे लगता है कि आपसे वो पूछे, लेकिन बाल फिर भी आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा, इसमें सारी बातें वही है, और उसके बाद एट द एंड वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्म का ठप्पा भी लगा देता है। तमाम बातें लिखी होती है उसमें, ज़कात का भी मामलात है, ज़कात एग्जम्पशन भी डिडक्शन हो गई है, टैक्सेशन वाले मामलात भी हो गए हैं, अदर चीजें हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशन भी ठीक है, तो ये सारी चीजें उस तरीके से। अच्छा, इसमें उन्होंने फॉर्मेट्स आपको बताए हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्या होता है कि प्रीवियस ईयर्स के साथ भी कंपैरिजन किया जाके, जब भी आप फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो आप हमेशा दो साल के, ठीक है, उसमें एक प्रीवियस ईयर होगा और एक आपका जो करंट ईयर है वो हो, ठीक है, उसमें आपने प्रीवियस ईयर्स के अमाउंट्स भी लिखनी है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने करंट ईयर की अमाउंट लिखनी है। अच्छा, उसके साथ आपने यहाँ पर नोट्स देने, ठीक है, अब नोट्स का नंबर भी लिख रहे, अब नोट्स क्या होंगे, अब जरूरी नहीं कि जो ये अमाउंट आप यहाँ पर लिख रहे हैं ये एक सिंगल अमाउंट हो, इस पे बहुत सारी कैलकुलेशंस भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर सैलरी है, आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की आप बैलेंस शीट बना, ठीक है, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, या बैंक्स के वाले से भी है, या कैश के वाले से भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई हैं, या अदर चीजें हैं, तो वो क्या है कि आपने उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कहीं पर किए हुए हैं, तो वो कहाँ पर करते हैं आप, वो आप नोट्स में, उनकी जितने भी कैलकुलेशन है, यानी कि ये डे वन से लेकर एट
द एंड ऑफ द डे, यानी कि 365th डे तक, पूरे साल तक जितने भी कैलकुलेशन हैं, जितने भी मामलात हैं, वो आप इन नोट्स के अंदर शो, ठीक है। फिर जब आपने जब यहाँ पर अमाउंट लिखनी है तो आपने उस नोट का नंबर दे देते हैं, ये चौथे नंबर पर नोट हमने ये लिखा है, ये पांचवे नंबर पर लिखा है, ये छठे पर, सातवे पर, आठवें, ये जो भी नोट का नंबर होगा, जो भी आप वहां पर उसको असाइन करेंगे, वो आपने उसको वहां पर लिख ले, ठीक है। ऊपर आपके पास एसेट्स आ गए, उसमें कैश एंड बैलेंस है, बैलेंस विद अदर बैंक है, लेंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन्वेस्टमेंट एडवांसेस है, ठीक है, टोटल आपके पास एसेट्स आ गए। फिर उसके बाद लायबिलिटीज आपने लिखनी है, डेफर लायबिलिटीज लिखनी है, नेट एसेट्स लिख लेने हैं, उसके बाद शेयर, उसके बाद शेयर कैपिटल, रिजर्व, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर लिख लेनी। प्रॉफिट एंड लॉस का आपके पास एक स्केच बन गया, वही प्रीवियस ईयर्स का भी लिखना है और इस साल का भी आपने लिखना है, और दोनों को आपने कंपैरिजन कर ले, ठीक है। जितना भी आपके पास इनकम आई है, आपके पास मार्कअप के तौर पर आई है, नेट मार्कअप जितना भी हुआ है, एक तरफ आपने अर्न किया, दूसरी तरफ आपने एक्सपेंस पे किया है मार्कअप के तौर पर, तो जो नेट आएगा वो आपने लिख लेनी है। फिर प्रोविजंस हैं, जो कि आपको लग रहा है कि पेमेंट आपको नहीं मिलनी है, बैड डेट्स हैं, वो आपने यहाँ पर लिख लेने, अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी यहाँ पर आपने लिख लेने। कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज आपके पास भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, अदर एक्टिविटीज हैं, ये सारे आपने यहाँ पर लिखने हैं। जितने भी कैश से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज हुई हैं, उनमें जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हुई हैं, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हुई हैं, उनका जो पोर्शन है उसके अंदर आपने इसको लिख लेना है, लेकर वो बिजनेस वगैरह के वाले से ये सब, ठीक है। ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया।